जिला प्रशासन की ओर से आज कलेक्ट्रेट परिसर के डीओआईटी रूम में जनसुनवाई की गई, जहां पर जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने बारी बारी से लोगों की समस्याएं सुनी और जल्द ही उन्हें दूर करने का आश्वासन दिया। जनसुनवाई में गेधून बालिका क्षेत्र के भीमपुरा पंचायत में पानी की टंकी बनाकर लोगों को सुविधा उपलब्ध कराने के नाम को लेकर स्थानीय लोग भी पहुंचे, जहां पर गेधून पालिका चेयरमैन आईना महक और जलदाय विभाग के अधिकारियों के बीच पानी की टंकी नहीं बनाने के मामले को लेकर हंगामा हो गया। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। महक ने जलदाय अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप जड़ दिए। इसी के साथ बोरखेड़ा से जनसुनवाई में आए लोगों का कहना है कि समस्या को लेकर लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। इसी प्रकार जल्द नगर निगम और नगर विकास न्यास, जलदाय विभाग, बिजली विभाग सहित अन्य विभागों की समस्याएं लेकर भी लोग जनसुनवाई में पहुंच रहे हैं। और जनसुनवाई में एडीएम प्रशासन राजकुमार सिंह, नगर निगम कोटा उत्तर दक्षिण के आयुक्त, नगर विकास न्यास सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। तो लोग पानी को तरसते हैं, उनके जानवर पानी नहीं पाते, पी पाते जी। फ्लैगशिप योजना में शामिल है। अब क्या करेंगे आप आगे? क्या हम मुख्यमंत्री जी को भी शिकायत करेंगे? यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो क्या हुआ? हम जयपुर जाएंगे, कहीं ना कहीं तो सुनवाई होगी ना। वो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कितने लोग हैं वैसे जो बिना पानी के रह रहे हैं? 10,000 लोग हैं जिनको पानी मिलेगा, लेकिन ये लोग चाहते ही नहीं। अभी ये बार आ चुके आप जनसुनवाई में? हम हर जनसुनवाई में आते हैं। पंचायत लेवल पे जो जनसुनवाई हुई उसमें भी हमने दिया, यहाँ तक कि जो इसमें पंचायत समिति में जनसुनवाई होती है उसमें भी दिया, और कितने ही लेटर हम प्रशासन को दे चुके हैं। क्योंकि हमारे यहाँ भीमपुरा में पानी की टंकी स्वीकृत हो चुकी है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, तो वहाँ पर अधिकारी सभी विभागों से हमने स्वीकृतियाँ ले ली है, लेकिन अभी तक अधिकारी कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं उस पर। और हम लोगों को पानी की आवश्यकता है, बूंद बूंद से तरस रहे हैं। सभी ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, ये सभी आए हुए हैं।